subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. आज हम आपको बताने वाले हैं स्वीटी की जिंदगी की पूरी कहानी कि किस तरह स्वीटी ने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे और किस तरह उसकी जिंदगी में ऋतुराज आया। तो बता दें आपको कि कैसे पिछले एपिसोड में ये बताया गया कि ऋतुराज और स्वीटी की शादी एक शादी नहीं बल्कि एक समझौता था जो कि तेतर सिंह ने किया था ऋतुराज के साथ मिलकर, और इसी वजह से ऋतुराज बन गया था तेतर सिंह का जमाई राजा और स्वीटी बेचारी फिर से हवेली में कैद हो गई। और स्वीटी हर बार मात खा जाती है अपने माँ बाप के सपनों के आगे। जी हाँ, उसने अपनी पढ़ाई भी इसी वजह से छोड़ी थी। और आपको बता दें कि तेतर सिंह ने हाल ही के एपिसोड में ये भी बताया था कि किस तरह उसने उसे पढ़ाने के लिए भेजा था स्कूल। तो उसका एक दोस्त था जिस दोस्त की बेटी भी पढ़ाई कर रही होती है और उसकी बेटी टॉप आती है, जिस वजह से वो बन जाता है विधायक। और तेतर सिंह अपनी दोस्त की तरक्की को देखकर जलने लग जाता है, जिस दौरान वो अपनी बेटी को भी पढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो विधायक बन सके और बेटी को पढ़ाकर, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा तेतर सिंह ने सोचा था, जिस वजह से अब स्वीटी भी थक चुकी है अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे रिश्तों के नए चेहरों को देख कर। तो अब जिंदगी में आने वाला है बहुत बड़ा तूफान, जहाँ स्वीटी लेगी अपने घर वालों के खिलाफ ही फैसला और कर रही होगी नाटक। पर इस नाटक की असली वजह क्या यही होगी जो कि उसके घर वालों ने उसके साथ किया है या फिर कुछ और, इसकी खबर हम आपको देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.